बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में हमने एक फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, 7.2 वाला। हमारे साथ है a प्लस बी होल पावर n, ये हमारे साथ बराबर है n ज़ीरो a पावर n b ज़ीरो प्लस n वन a पावर n माइनस वन बी वन प्लस n टू a पावर n माइनस टू डी स्क्वायर अप टू प्लस n n a पावर n माइनस n, तो जीरो हो जाएगा b पावर n। ठीक है, ये उसी केस में है जब n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स या n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 में हमारे साथ जो फार्मूला है वो है a वन प्लस एक्स होल पावर n, where n does not belong to natural, सिर्फ नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर इसमें आ सकता है। तो 1 प्लस एक्स होल पावर n हमारे साथ बराबर होगा फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एम टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फिक्टोरियल एम टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एम टू एन माइनस वन एम टू एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फिक्टोरियल इंटू एक्स क्यू एंड सो आर। ठीक है, तो हमारे साथ ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसी केस में जब n डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे साथ है, व्हाट इज द मेटल टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ find the first four terms in the expansion of number 1 minus x whole power minus 1 by 2। first four term इसमें मालूम कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया 1 plus x whole power n हमारे साथ है 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial n to x square plus n into n minus 1 into n minus 3 divided by 3 factorial into x cube and so on। इसमें पहले फोर टर्म मालूम करना है, तो ये फार्मूला मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस माइनस x और पावर n, n हमारे साथ क्या है 1 ओवर 2 है। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ फोर टर्म तक, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो n मेरे साथ माइनस 1 बाई 2 है और x मेरे साथ माइनस एक्स है प्लस n इंटू n माइनस 1, n हमारे साथ क्या है माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो x हमारे साथ है माइनस एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो n हमारे साथ क्या है माइनस 1 बाई 2 है into n minus 1, तो minus 1 by 2 minus 1 into n minus 2 minus 1 by 2 minus 2 और divide by 3 factorial और x cube, तो minus x whole cube, तो चार टर्म बराबर हो गए। ठीक है, तो 1 minus x whole minus 1 by 2 is equal to 1 और minus minus plus हो जाएगा, तो 1 plus x by 2 आ जाएगा। ठीक है, और इससे हमारे साथ minus 1 by 2 और माइनस वन बाई टू माइनस वन से हमारे साथ आता है माइनस थ्री डिवाइड बाई टू और वन ओवर फैक्टोरियल हमारे साथ बराबर है वन ओवर टू का और माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर का। अब प्लस माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू माइनस वन से हमारे साथ आता है माइनस थ्री बाई टू और माइनस वन बाई टू माइनस टू से हमारे साथ आता है माइनस फाइव बाई टू, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल वन ओवर सिक्स के बराबर है और माइनस एक्स क्यूब, तो वन माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई टू बराबर होगा वन प्लस एक्स बाई टू का। इसमें हमारे साथ माइनस माइनस प्लस आता है, तो प्लस थ्री डिवाइड बाई टू टू जार फोर, फोर टू जार एट एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और इस माइनस से तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस थ्री फाइव जार थ्री फाइव जार फिफ्टीन डिवाइड बाई
2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 6 जार 48 x क्यूब। तो पहले चार टर्म हमारे साथ मालूम होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसको हम 15/48 को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 3 जार 15, 16 3 जार 48, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस 3 डिवाइड बाई 8 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 डिवाइड बाई 16 एक्स क्यूब, ठीक है। पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 1 माइनस एक्स और 3 डिवाइड बाई 2। तो ये मैं इस फार्मूली फॉर्म में लिखता हूँ, तो 1 प्लस माइनस एक्स और पावर 3 डिवाइड बाई 2। अब हमारे साथ n 3 बाई 2 है, n हमारे साथ 3 बाई 2 है और x हमारे साथ माइनस एक्स है, तो 1 प्लस एन एक्स, तो n हमारे साथ है 3 बाई 2 और x हमारे साथ है माइनस एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो n 3 बाई 2 है, n माइनस 1 3 बाई 2 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, तो 3 बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 बाई 2 माइनस 2 और माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस एक्स क्यूब एंड सो आर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स होल पावर 3 बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा, 1 माइनस 3 एक्स बाई 2 और प्लस 3 बाई 2 और 3 बाई 2 माइनस 1 से हमारे साथ आता है 1 बाई 2 और ये बराबर है 1 बाई 2 का और माइनस एक्स होल स्क्वायर से हमारे साथ एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। और ये हमारे साथ 3 बाई 2 माइनस 1 से हमारे साथ आता है माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 3 बाई 2 माइनस 2 से हमारे साथ आता है माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 ओवर 3 फैक्टोरियल हमारे 1 ओवर 6 के बराबर है और इससे हमारे साथ आता है माइनस एक्स क्यूब। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस एक्स और 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 एक्स स्क्वायर और इससे हमारे साथ आता है प्लस 3 3 1 3 3 2 6 तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 तो हमारे साथ आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 16 एक्स क्यूब। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 8 प्लस 12 एक्स 8 प्लस 12 एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए मैं इसे 8 कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 8 और इधर 8 कॉमन लेंगे तो 1 आ गया प्लस इधर 8 नहीं है तो इधर ये 8 के लिए डिवाइड हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 8 और होल पावर 2 बाई 3, तो ये मैं लिख सकता हूँ 8 पावर 2 बाई 3 इंटू 1 प्लस 2 4 जार 8
और 3 4 जा 12, 3 बाई 2 होल 3 बाई 2 x है, इसके साथ x है, 3 बाई 2 x और पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो 8 पावर 2 बाई 3 में लिख सकता हूँ, 8 पावर 2 बाई 3 में 2 पावर 3 और पावर 2 डिवाइड बाई 3 और 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2 पावर 2 बाई 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 4 आ जाएगा, तो 8 8 प्लस 12x पावर 2 बाई 3 ये मेरे साथ बराबर हो जाएगा 2 2 4 इनटू 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2 होल 2 बाई 3, ठीक है। तो अब इसको मैं इस फार्मूले से मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 और 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, तो n मेरे साथ है 2 बाई 3 और x मेरे साथ है 3 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, तो n मेरे साथ है 2 बाई 3 और इंटू n माइनस 1, तो 2 बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 विक्टोरियल, ठीक है, और x स्क्वेयर, तो x मेरे साथ है 3x बाई 2, तो 3x बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n इंटू n माइनस 1, तो n मेरे साथ है 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 माइनस 1 इंटू 2 बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 विक्टोरियल इंटू 3x डिवाइड बाई 2 होल क्यूब, तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस x आ जाएगा, 1 प्लस x प्लस 2 बाई 3 और 2 बाई 3 माइनस 1 से हमारा आता है माइनस 1 डिवाइड बाई 3, अगर 1 और 2 के फैक्टोरियल बराबर है 1 और 2 का, और इससे हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2 बाई 3 और 2 बाई 3 माइनस 1 से माइनस 1 बाई 3 आता है और 2 बाई 3 माइनस 2 से हमारा आता है माइनस 4 बाई 3, 3 2 जा 6 तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 आता है और 1 और 3 फैक्टोरियल 1 और 6 के बराबर है और 3 क्यूब तो 27 डिवाइड बाय 8 एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये मेरे साथ बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स और ये 3 3 जार 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे साथ माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 जार 9 9 3 जार 27 ये इस 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो ये मेरे साथ बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 12, अब 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4 प्लस 4 एक्स, ये 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे साथ है आंसर है 4 प्लस 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 एक्स क्यूब, ये 2 रहता है इधर, ये 2 है और ये 12 है, 2 एक्स क्यूब इधर 2 आता है, ठीक है, तो इधर हमारे साथ ये बन जाएगा 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है फाइंड अंडर रूट 26 नंबर 2 में पार्ट 1, फाइंड अंडर रूट 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, टू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है,
तो अंडर रूट 26 में लिख सकता हूँ, अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अंडर द रूट, तो अंडर द रूट कीमत है 1/2, ठीक है। इससे मैं 25 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो ये जब 25 कॉमन ले रहा हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 25 और पावर 1 ओवर 2, या ये इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो 25 और 25 में लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 25 इंटू पावर 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 25 और पावर 1/2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 25 और पावर 1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करता हूँ जो फार्मूला मैंने इधर लिखा था, 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस एन एक्स, तो एन हमारे साथ 1/2 है और एक्स हमारे साथ 1 डिवाइड बाई 25 है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे साथ है 1/25 स्क्वायर, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब 1/25 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 50, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 50 और प्लस 1/2 और 1/2 माइनस 1 से आता है माइनस 1/2 और 1/2 फैक्टोरियल बराबर है 1/2 का और 1/25 स्क्वायर बराबर है 1/625 का, प्लस 1/2 माइनस 1/2, इससे 1 माइनस 1/2 आता है और 1/2 माइनस 2 से हमारे साथ आता है माइनस 3/2, 1/3 फैक्टोरियल बराबर है 1/6 का और ये 1/25 क्यूब ये बराबर है 25, 25 जार 625 और इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 625, तो आता है 1500 ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा इज इक्वल टू 5 1 प्लस 1 ओवर 50 अवर माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 2 4 4 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 625 से आता है 5000 और प्लस, इससे हमारे साथ प्लस आता है माइनस और माइनस से प्लस आता है और ये बनता है 3 1 3 3 2 6, तो ये बनता है 1 डिवाइड बाय 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 मल्टीप्लाई बाय 5 6 15625 250,000 ठीक है। तो इंटू 5 ये मेरे साथ बन जाएगा 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 50 माइनस 5 डिवाइड बाई 5000 और प्लस 5 डिवाइड बाई 25000 ठीक है। सो ऑन विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 50 से हमारे साथ आता है 0.1 माइनस 0.1 और 5 डिवाइड बाई 5000 से हमारे साथ आता है 0.001
अगर 5 डिवाइड बाय 25 1000 से बनता है 0.0002, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएगा 5 प्लस 0.1 प्लस 0.0002 माइनस 0.001, तो ये बन जाएगा 5.099, ठीक है। तो अंडर रूट 26 हमारे साथ बराबर होगा 5.099 का, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 हमारे साथ है फाइंड 1 ओवर अंडर रूट 0.998, 1 ओवर अंडर रूट 0.998 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूं 1 ओवर अंडर रूट 0.998 में लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 0.998 में लिख सकता हूं 1 माइनस 0.002 पावर 1/2, ठीक है। और ये फर्दर में लिख सकता हूं 1, अगर ऊपर ये में लिख लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस 0.002 पावर ये 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 0.998, ये बन जाएगा 1 माइनस 0.002 पावर माइनस 1/2, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो एन हमारे साथ है माइनस 1/2 और x हमारे साथ है माइनस 0.002, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो n हमारे साथ है माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, तो x हमारे साथ है माइनस 0.002 स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और एन टू 0.002 क्यूब और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.002 डिवाइड बाई 2, 0.002 डिवाइड बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा 0.001 प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 1 से हमारे साथ आता है माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और माइनस 0.002 स्क्वेयर से प्लस आता है, ठीक है। तो 0.000004 प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 से आता है माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 से आता है माइनस 5/2 1 ओवर 3 फैक्टोरियल हमारे साथ था, इधर 1 ओवर 2 फैक्टोरियल भी है तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 के बराबर है, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर 6 के बराबर है। अब 0.002 अगर क्यूब हम ले रहे तो माइनस आंसर आएगा, ठीक है। इसका क्यूब हमारे साथ बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस 0.001, इससे हमारे साथ प्लस आ जाएगा। अब 2 2 4 4 2 8 तो 0.000004 1 2 3
फोर डिवाइड बाई एट, इससे हमारे साथ आ जाएगा 0.00034565। और इससे हमारे माइनस माइनस माइनस, और चार माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मजदूरी की मल्टीप्लाई करता हो तो हमारे साथ बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 2 4, 4 2 8, 8 6 48 डिवाइड बाई 48, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 0.00000001 2 3 4 5 6 7 8 2 5 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करता हूँ, अब तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1.001 प्लस 0.00005 और प्लस 0.00025 इज इक्वल टू 1.001, ठीक है। हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.001। इस मतलब ये वैल्यू इतनी स्मॉल है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं, ये दोनों वैल्यूज इतनी स्मॉल है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 हमारे साथ साल हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, तो 3 हमारे साथ है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 126, क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे साथ 126 का क्यूब रूट, हमारे साथ 126 क्यूब रूट हम लिख सकते हैं 126 पावर 1/3, या इस तरह भी लिख सकते हैं 125 प्लस 1 पावर 1/3। 125 में इसे कॉमन लेता हूँ तो 125 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 125 पावर 1/3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 125 में लिख सकता हूँ 5 क्यूब और ये पावर 1/3, और ये इस पे भी है और इस पे भी है, और ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 25 पावर 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ 126 मेरे साथ बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 125 पावर 1/3, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन मेरे साथ है 1/3 और एक्स मेरे साथ है 1/25 और 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो एन हमारे साथ है 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 125 स्क्वायर और प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब 1/25 क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 15 और 12 3 36 37 प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1 से आता है माइनस 2/3 और 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर है और 1/25 स्क्वायर, ये मेरे साथ बनता है 1 डिवाइड बाई 125 स्क्वायर हमारे साथ बनता है
15 6 25 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 1 से आता है माइनस 2 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 2 से आता है माइनस 5 बाई 3, और 1 और 3 फैक्टोरियल बराबर है 1 और 6 का, और 1 डिवाइड बाई 125 क्यूब 1953125। तो ये विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 375। तो 1 डिवाइड बाय 375 हमारे साथ बराबर है 0.00266 का, 0.00266। ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इधर 5, ये वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तरह ये भी इधर भी 5 है, ठीक है, प्लस 5, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और हमारे साथ इसकी वैल्यू इतने कम आ रही है कि मतलब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लें तो इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, 0.00000 समथिंग आती है, ठीक है सर, इसकी वैल्यू बहुत कम आती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.00266 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5.01333। हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा 5.01333, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 सॉल्व हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थ्री हमारे साथ है 0.1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स अप टू एक्स क्यूब अप टू एक्स क्यूब, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि एक्स क्यूब तक जाए, एक्स फोर इसमें इंक्लूड ना करें, ठीक है, एक्स क्यूब तक आप 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का रिजल्ट मालूम कर ले, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 2, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो हमारे साथ ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये बराबर है 1 माइनस एक्स 1 बाई 2 और 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इस एक्सपेंशन से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई 2 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू माइनस एक्स 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो एन हमारे साथ है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे साथ क्या है माइनस एक्स, ठीक है, और क्यूब तक नहीं जाना क्योंकि इधर लिखा अप टू एक्स क्यूब, ठीक है, सॉरी अप टू एक्स क्यूब। तो हमारे साथ इसके बाद टर्म आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 1 बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हमारे साथ आ जाएगा, एक्स हमारे साथ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और इसी तरह इसके बाद हमारे साथ ये वाला टर्म मैं ऊपर करता हूँ अप टू एक्स क्यूब, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो n हमारा क्या है माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 1 बाई 2
into minus 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial into x square. Our plus of n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial और x cube, ठीक है, अब तो x cube इसके बाद प्लस हायर, इसके बाद हायर टर्म आते हैं, ठीक है, which is equal to 1 minus x by 2 और इससे हमारे साथ आता है प्लस 1 by 2 और 1 by 2 minus 1 से आता है minus 1 divided by 2 और minus x whole square से हमारे साथ आता है x square, अब प्लस ये टर्म हमारे साथ आता है 1 by 2 माइनस वन बाई टू और वन बाई टू माइनस टू से आता है माइनस थ्री डिवाइड बाई टू और वन ओवर थ्री फैक्टोरियल हमारे साथ वन ओवर सिक्स के बराबर है और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस हायर टर्म मल्टीप्लाई बाई वन माइनस एक्स बाई टू, वन माइनस एक्स बाई टू और इससे हमारे साथ प्लस माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू माइनस वन से हमारे साथ आता है माइनस थ्री बाई टू और एक्स वन ओवर टू पे टू हमारे साथ वन ओवर टू के बराबर है इन टू एक्स स्क्वायर और आखिरी टर्म प्लस माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन से आता है माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस टू से आता है माइनस फाइव बाई टू वन ओवर थ्री फैक्टोरियल वन ओवर सिक्स के बराबर है इन टू एक्स क्यूब प्लस हाइयर टर्म्स, ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये मेरे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई टू प्लस और माइनस से माइनस आता है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर और इससे हमारे साथ आता है 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 16, अब और ये बार आता है दूसरा टर्म 1 माइनस x बाय 2, अब और इससे हमारा आता है 3 बाय 8, 2 2 जार 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 तो प्लस थ्री बाई एट प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट और आखिरी टर्म हमारे साथ आता है थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स तो इससे हमारे साथ आता है इधर हमने एक चीज नहीं कहा वन बाई टू फैक्टोरियल वन बाई टू के बराबर है तो इससे हमारे साथ एक्स फोर बाई एट आता है, ठीक है, अब हमारे साथ इधर माइनस वन माइनस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट और थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ये हमारे साथ माइनस आएगा और फाइव डिवाइड बाई टू टू जार फोर फोर टू जार एट और एट टू जार सिक्सटीन सिक्सटीन एक्स क्यूब डिवाइड बाई सॉरी फाइव फाइव एक्स क्यूब डिवाइड बाई सिक्सटीन ये हमारे साथ लास्ट टर्म है, ठीक है, और ऊपर वाले में वन माइनस एक्स बाई टू और एन इंटू एन माइनस वन और हमारे साथ इसे प्लस आता है ये प्लस आता है तो इसका रिजल्ट हमारे साथ माइनस होगा, ठीक है, और आखिर टर्म ये वाला एन इंटू एन माइनस वन इसे माइनस आता है इंटू एन माइनस टू इसे माइनस आता है और एक माइनस ये है तो हमारे साथ ये वाला भी माइनस आएगा, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तक तो वन मल्टीप्लाई बाई वन से वन आता है वन मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स बाई टू से माइनस एक्स बाई टू आता है प्लस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट से थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट आता है और वन मल्टीप्लाई बाई फाइव एक्स क्यूब बाई सिक्सटीन से माइनस फाइव एक्स क्यूब डिवाइड बाई सिक्सटीन आता है, अब माइनस एक्स बाई टू वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू को थ्री एक्स स्क्वायर बाई एट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस
एक्स क्यूब डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। अब माइनस एक्स बाई टू फाइव एक्स क्यूब अगर इसे मल्टीप्लाई कर तो एक्स फोर आता है और हमने मालूम करना है अप टू एक्स क्यूब तक, ठीक है। तो ये हम नहीं करते, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एट को वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एट आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाई एट को माइनस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस एक्स क्यूब बाई 16 आ जाएगा। अगर इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाई एट को अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स फोर आता है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस एक्स क्यूब बाई 16 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 16। और फर्दर हाइयर टर्म तक मैं नहीं जाता, एक्स फोर तक हम नहीं जाते, ठीक है। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो इस ये मतलब आ जाएगा 1 माइनस हम 1 माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर की बारी है तो प्लस 3x स्क्वायर बाई 8 प्लस 3x स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8। और अब एक्स क्यूब की बारी है तो प्लस एक्स क्यूब बाई 16 माइनस एक्स क्यूब बाई 16 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब बाई 16 और माइनस 3x क्यूब डिवाइड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2x बाई 2 इसका एलसीएम 8 आ जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम 16 तो माइनस 5x क्यूब माइनस मैंने कॉमन ले लिया 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4 4 बाई 8 तो 4 बाई 8 से 1 आता है 4 बाई 8 से 1 बाई 2 आता है तो x स्क्वायर बाई 2। अब हम माइनस 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड बाई ये हमारे साथ 16 है 8 डिवाइड बाई 16 तो 8 डिवाइड बाई 16 से 1 बाई 2 आता है तो x क्यूब डिवाइड बाई 2 तो 1 तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है इफ एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इन हायर पावर मस्ट बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 4x अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 7x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूँ। 1 माइनस 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 4x अंडर द रूट नहीं लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3x पावर 1 और 2 और 1 प्लस 4x पावर 1 और 2 ये मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3x पावर 1 बाई 2 और 1 प्लस 4x पावर माइनस 1 और 2। अब इसको एक्सपेंड कर ले बाइनोमियल एक्सपेंशन से लेकिन हायर टर्म स्क्वायर और हायर टर्म नेग्लेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस एन 1 प्लस एन एक्स तो प्लस एन हमारे साथ 1 बाई 2 है और एक्स हमारे साथ है माइनस 3x, ठीक है। अब इधर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो 1 प्लस एन एक्स तो एन हमारे साथ है माइनस 1 और 2 और एक्स हमारे साथ है 4x। इधर मैं लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स तो ये अब इस ई में आ जाएगा 1 माइनस 3 बाई 2x और 1 माइनस 4 बाई 2 से 2 आता है तो 1 माइनस 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और स्क्वायर और हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर ले तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 1 आता है
और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x से माइनस 2x आता है, माइनस माइनस 3x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है माइनस 3x बाई 2, और ये टर्म हम निगलेक्ट करते हैं, इसे x स्क्वायर आता है, निगलेक्टिंग स्क्वायर टर्म, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन स्क्वायर टर्म मैंने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन गया 1 माइनस, इसका एलसीएम 2 है, तो 2 2 जार 4 प्लस 3, तो ये मेरे साथ बन गया इन टू एक्स 4x प्लस 3x, तो ये मेरे साथ बन गया 1 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया।